हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जी की में आप सबका स्वागत है। और ये UPSSC लोअर PCS की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और ये साइंस की टेस्ट सीरीज है और ये घटना चक्र की टू सीरीज से आप लोग को जो है टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। तो आज का दूसरा सेट देखेंगे विज्ञान। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य कथन है। इस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से सरल अणुओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल को ग्रहण करते हैं। दूसरा है, यह प्रकाश यह क्रमशः संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सर्वप्रथम पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में? चारों विकल्प देख लीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल पहला ही सही है। प्रश्न नंबर दो, कथन जो है, ईस्ट जैसे एक कोशिकीय जीव का प्रयोग बियर व शराब बनाने में किया जाता है। कारण दिया है, ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है तथा इस प्रक्रिया में ग्लूकोज को मेथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। अब कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन व कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी में है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। और नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसका तीनों कथन सही है, यानी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न नंबर चार है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग का अध्ययन, मार्मिकोलॉजी चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन, ट्रोमेटोलॉजी घाव का अध्ययन, एग्रोलॉजी जो है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो इसमें जो है ऊपर के तीन सुमेलित हैं और नीचे का ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। तो यही इसका सही जवाब है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मानव यूरियोटाइलिक के अंतर्गत आता है क्योंकि इसके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। प्रोटीन के उपापचय के परिणामस्वरूप अमोनिया बनती है, जिसे यकृत द्वारा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बदल दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। प्रश्न नंबर छः, सही सुमेलित नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, हाथ व पैर में 60-60 जो है अस्थियां होती हैं, वक्ष जो है 24 अस्थियां वक्ष में होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर सात है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, इस संदर्भ में सत्य कथन है। और यहाँ पर दिया हुआ कि विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील है, जबकि ए डी ई के जल में घुलनशील है। और तीसरा है, ग्लूकोज व वसा की कमी होने पर विटामिन अल्प मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट ही सही है और बाकी दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अग्नाशय के संदर्भ में सत्य कथन है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों है। दूसरा पॉइंट है, अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है जहां अल्फा बीटा व गामा कोशिकाएं होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं जो शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो सोचने व निर्णय लेने का कार्य करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेड्यूला। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए, जो है अग्र मस्तिष्क होता है जो सबसे विकसित भाग होता है और सोचने व निर्णय लेने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है, मलेरिया, प्लीहा, हेपेटाइटिस बी, यकृत, निमोनिया, फेफड़े, इंसेफलाइटिस, फेफड़े। तो यहाँ पर जो है सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन डी है, इंसेफलाइटिस जो है फेफड़े, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 11 की आहार श्रृंखला के संदर्भ में सत्य कथन है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, हमारी जानकारी के बिना ही कुछ रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है इसमें? इसका सही है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सही हैं। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट इस तरह से करवा रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि एकदम एग्ज़ाम के जो है एकदम लास्ट टाइम है और आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से या बुक के माध्यम से पढ़ चुके होंगे, अच्छी तरह से जानकारी जो है प्राप्त कर ली होगी। उसके बाद आपको जो है टेस्ट लगाना है, केवल आपको केवल इसमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इस 25 क्वेश्चन में विज्ञान के आपके कितने सही हुए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और वीडियो को आप लोगों को लाइक करना और शेयर भी कर देना है। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को वर्ष 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, जिनेवा, नैरोवी, पेरिस। तो UNEP का मुख्यालय जो है ये नैरोवी में है, जो कन्या की राजधानी है। प्रश्न नंबर 13 सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा? बल न्यूटन, पास्कल का वायुमंडलीय दाब, चुंबकीय प्रेरण टेस्ला और ऊष्मा कैलोरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊष्मा कैलोरी। प्रश्न नंबर 14 है कि कथन दिया हुआ कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। कारण दिया हुआ कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है। अब इसका जो विकल्प है 4 दिए गए हैं, पहले में दिया है कि कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरे में दिया है कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरे में कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथे में है कथन गलत है जबकि कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि कथन व कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 15 है जो है दृष्टि दोषों के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला पॉइंट दिया कि निकट दृष्टि दोष में रोगी पास रखी वस्तुओं को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दूसरा पॉइंट है कि दूर दृष्टि दोष में रोगी दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका सही जवाब है, आप सबको पता हो गया होगा कि 15 का जो है सी है, यानी कि
फर्स्ट पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है दोनों सही है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल ज्ञात की जाती है। सोनार में उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का, अपश्रव्य ध्वनि तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पानी में जो जहाज़ें चलती हैं तो उसमें जल में जो स्थित पिंडों होते हैं, पिंड की जो है दूरी और उनकी दिशा चाल ज्ञात की जाती है सोनार से, तो उसमें जो है पराध्वनिक तरंगों को जो है छोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, डायनमो से संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और डी ऑप्शन है विद्युत बल विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इसमें कौन सा सुमेलित, सही सुमेलित जो है नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रश्न नंबर 18 है कि सत्य कथन है आप। पहला पॉइंट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जल, भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा पॉइंट है कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर ध्रुव था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला पॉइंट सही है जबकि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर ध्रुव नहीं था। प्रश्न नंबर 19, दो पदार्थों के तापमान में अंतर होने के कारण उनके बीच प्रवाहित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं, उसमें ऊर्जा के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला पॉइंट है, उसमें ऊर्जा किसी पदार्थ के तापमान, आकार व अवस्था में परिवर्तन कर सकती है, और दूसरा पॉइंट है, उसमें ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला पॉइंट ही केवल सही है। प्रश्न नंबर 20 है, सही सुमेलित नहीं है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने इसे बनाया था, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने, ट्रांसफार्मर को माइकल फैराडे ने, और इलेक्ट्रोलिसिस का नियम जो है केल्विन ने। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम जो है केल्विन ने नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 21 है, कार्बन के अपररूप है हीरा ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरिन, और अब यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सही सुमेलित नहीं है। मरकरी सिनेबार का अयस्क है, मरकरी धातु जो है इसका अयस्क जो है सिनेबार, लेड जो है गैलेना, यूरेनियम पिच ब्लेंड, ताबा काल्वेराइट। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ताबा जो है काल्वेराइट का अयस्क नहीं है। और प्रश्न नंबर 23 है कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु आवश्यक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी लवणीय जल में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी सही है, यानी जंग लगने के लिए नमीयुक्त वायु आवश्यक है, और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है ये भी सही है, लवणीय जल में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 24, खाना बनाने वाली गैस एलपीजी का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन व मीथेन, और ऑप्शन डी ब्यूटेन व प्रोपेन। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, आप सब जानते ही होंगे कि इसका जवाब जो है ऑप्शन डी है, ब्यूटेन व प्रोपेन का जो है एलपीजी मिश्रण होता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, 25% टोटल हो जाएंगे इसको लेकर। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका अपवाद है।
सही जवाब है ऑप्शन बी, पारा जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और बाकी सब जो है धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ये अपवाद है। तो प्रश्न आप लोग को जो है अच्छे लगे हों तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, और इसकी तीसरा पार्ट भी यानी कि साइंस का जो है तीसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही तीसरे पार्ट को अपलोड करेंगे आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसके बाद जो है साइंस के बाद जो है हिंदी की या फिर जीके की जो है स्टार्ट करेंगे उसकी भी बहुत जल्दी।